17वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही पानीपत करनाल लोकसभा चुनाव के लिए पानीपत की आम जनता ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों में भी है प्रचार शिद्दत से जोर पकड़ता जा रहा है कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट मिलनी चाहिए। याद रहे कि पानीपत करनाल लोकसभा क्षेत्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ से करीब 13 बार भारी उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई और वे सफल रहे। हालांकि परिस्थिति जन्य समीकरणों के आधार पर ही उन्हें सफलता मिलती रही। इसके अलावा भारी उम्मीदवार का विरोध हालांकि अतीत में भी होता रहा लेकिन इतना मुखर होकर कभी आवाम ने और राजनीतिक दलों ने विरोध दर्ज नहीं कराया था। लेकिन इस बार खुलकर यह बात कही जा रही है कि अब भारी उम्मीदवार सहन नहीं होगा। याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के आने के बावजूद पानीपत भाजपा ने जरा भी उनके प्रति उत्साह नहीं दिखाया। यहाँ तक कि पानीपत भाजपा के एक भी आम या खास कार्यकर्ता ने या बड़े पदाधिकारी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा का स्वागत तो दूर उनके भाजपा में आने की जरा भी खुशी जाहिर नहीं की। यह भी चर्चा है कि संघ के बड़े पदाधिकारी भी डॉक्टर अरविंद शर्मा की करनाल उम्मीदवारी के प्रति जरा भी उत्साहित नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के आम व खास कार्यकर्ता भी पार्टी हाईकमान से यह मांग कर रहे हैं कि इस बार पानीपत क्षेत्र से ही किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए। गौरतलब है कि स्थानीय उम्मीदवार को लेकर जो जुनून इस बार नजर आ रहा है ऐसा अतीत में कभी देखने को नहीं मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।